उम्र है लड़की का, लड़का के साथ आके पब्लिक प्लेस में उल्टा सीधा हरकत कर रही है। क्या हो गया आजकल का जमाना को, हमको समझ में नहीं आ रहा है। शर्म लिहाज तो कुछ है ही नहीं। चुम्मा चाटी चल रहा है मेट्रो में, और ये दोनों गधा उस दोनों को घूरे जा रहा है। क्या देख रहे हो तुम लोग? अरे पापा, इसलिए इन लोग को देख रहे हैं क्योंकि आगे चल के तो हम लोग को भी यही सब करना है। अभी से नहीं सीखेंगे तो उस वक्त आप सिखाइएगा हम लोग को। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, मारेंगे जूता खोल के तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। लफंगा कहीं का, दिन बार दिन बिगड़ते जा रहा है तुम। अरे हाँ पापा, यही बात तो हम गोरा कद्दू को समझा रहे थे कि हम लोग का उम्र नहीं है ये सब देखने का। ये सब देखने और करने का तो पापा का उम्र है। तुम क्या देख रहा है? पापा को देखने दो घूर घूर के। अरे क्या बकवास करा रहे तुम हा? हम घूर घूर के नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि समाज कितना बिगड़ गया है। अरे पापा, ये सब चीज तो टीवी में भी दिखाता है, तो उसके लिए आप लाइव क्या देख रहे हैं? और अगर देखना ही है तो एक मिनट देखिए, घूर घूर के क्या देख रहे हैं? अरे क्या घूर के देखे, एक ही मिनट तो देखे। तुम लोग उल्टा घूर घूर के देख रहे हो तब से। अरे पापा, हम लोग इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि हम लोग पहली बार आए हैं मेट्रो में। आपकी तरह थोड़ी ना रोज रोज आते हैं मेट्रो में और इस सब मनोरंजन देखते हैं। इसीलिए तो हम गोरा कद्दू को बोल रहे थे कि हम लोग को अकेले आना चाहिए था। अरे अकेले कहाँ आना चाहिए था तुम लोग को, यही सब करने के लिए तुम लोग यही सब करना चाहते हो मेट्रो ट्रेन में चढ़ के, ताकि कोई देखने वाला नहीं हो, रोकने वाला नहीं हो। मार के देह तोड़ देंगे तुम लोग का। लफंगा सब, तुम लोग को बेकारी लेके आए मेट्रो में। अरे अकेले आने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग आवारा गाड़ी करने आते। अकेले आते तो हम लोग कहीं भी जाकर बैठ सकते थे, यहाँ खड़ा रहना जरूरी थोड़ी ना था। ये तो आपके साथ है तभी ना हम लोग यहाँ खड़े हैं। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक कहीं और कैसे जा सकते हैं? नहीं तो बोलिएगा कि बिना पूछे कहीं और चला गया। हाँ तो चलो यहाँ से चलो। क्या बैठ के इस लफंगा लोग को देख रहे हो? हाँ यहाँ का माहौल सही है, यहाँ पे कोई ऐसा असली हरकत सब नहीं कर रहा है। हाँ मम्मी, कोचिंग में अभी हम हाँ पढ़ रहे, अभी लगेगा एक दो घंटा और लगेगा ट्यूशन में। सब्जी लेके आए? नहीं सब्जी तो नहीं लेके आ सकते है, पढ़ाई चल रहा है आज, काहे कि एग्जाम आ रहा है ना, समय नहीं मिल पाएगा। काहे कि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वही सर से ना क्लियर करना चाह रहे थे हम। क्या बोली, ट्रेन का आवाज आ रहा है? हाँ वो प्रोजेक्टर से सर पढ़ा रहे ट्रेन के बारे में, इसीलिए आवाज आ रहा है तुमको। इसीलिए कह रहे फोन रख देते, नहीं तो टीचर देख लेगा ना तो डांटेगा, बोलेगा पढ़ने आया कि फोन पे बात करने आया है। ये हो क्या गया आजकल का बच्चा लोग को, हमको समझ में नहीं आता है। अपना माँ बाप लोग से भी झूठ बोलता है, घर पे बोल के आता है ट्यूशन करने जा रहे हैं और लड़की के साथ घूमता है। और कद्दूपुर की लड़की लोग को भी क्या हो गया समझ में नहीं आता है, माँ बाप लोग को झूठ बोल के जाती है ट्यूशन के लिए और ऐसा लफंगा लोग के साथ घूमती है। देखी रानी कैसे बनाए कहानी, मम्मी को हम बोले हम ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेन का आवाज सुन ली मम्मी, उसके बाद भी हम कैसा कहानी बनाया मम्मी को पता भी नहीं चला। अगर अभी हम दोनों आपस में किस कर रहे होते, उसका आवाज भी मम्मी सुन ली होती ना, तो उस पे भी हम कहानी बना देते, हम बहुत चालाक है। वो बिट्टू को हम बोले थे डिंपल को पटाओ, ले जाओ होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह खिलाओ पिलाओ तब ना पटेगी, तो बोलता है मम्मी पापा देख लेगा हमारा। डरता कितना पापा लोग से, पापा लोग का तो काम ही होता है हर चीज में टांग रहता है। डिंपल को पटाता तो जितना चेहरा पे पिंपल है सब खत्म हो जाता है, खाली पापा पापा करता है। ऐसा लड़का सब जो होता है ना, जो खाली पापा पापा करता है, कभी कामयाब नहीं हो पाता है। अरे तुम कौन सा अपना पापा को नहीं बता के कोई कामयाबी वाला काम किए हो, कर तो वही छिछोड़ा वाला काम रहे हो। कामयाबी वाला काम किए होते तो हम मानते भी कि चलो पापा को नहीं बताया। देखिए चाचा, मुंह मत खुलवाइए समझे, ताकि हमारा जब मुंह खुलता है ना तो सामने वाले का कैरेक्टर खराब हो जाता है समझे, इसीलिए ज्यादा मत बोलिए। काहे कि अपना जमाना में तो आप लोग सब कुछ कर लेते हैं, हम लोग का जब टाइम आता है तो नियम कानून बताते हैं, हम नहीं मानते सबको। ये दोनों आपका लड़का है क्या? सुनो जी, तुम लोग अपना पापा के चक्कर में रहोगे ना तो ऐसे ही रह जाओगे गधा समझे, नहीं मिलेगी तुम लोग को लड़की, हमारे जैसा लाइफ चाहिए तुम लोग को, तो झूठ बोलना सीख जाओ, घर से बोल के जाओ कोचिंग पढ़ने जा रहे, घुमाओ लड़की लोग को। गधा रहोगे तो गधी मिलेगी, घोड़ा बनोगे तो घोड़ी मिलेगी। रे रे, हमारा बच्चा को बिगाड़ता है हा? और तुम लोग कौन सी उसका बात सुन रहा है? अरे वो बोल रहा है तो आप भी तो सुन रहे हैं, तो हम लोग भी सुन रहे हैं, कान में रुई डाल दे क्या हम लोग, क्या बात कर रहे हैं? किकी तो बोल रहा है, हम लोग 12 साल का हो गए, हम लोग की तो गर्लफ्रेंड आज तक नहीं बनी। आदमी लोग यहाँ 5 साल पढ़ के इंजीनियर बन जाता है, 5 साल में इंजीनियर, हम लोग 12 साल से जिंदगी में आया, गर्लफ्रेंड नहीं मिली हम लोग को। अरे तो तुम लोग जिंदगी में खाली गर्लफ्रेंड लेने आया है, भगवान तुम लोग को इसीलिए जन्म दिए है कि नीचे जाके गर्लफ्रेंड बनाओ। अरे तो इसमें खराबी क्या है,
आपका बर्डन कम कर रहा है। 10 साल के बाद आप ही को टेंशन होगा, बेटा लोग जवान हो गया, शादी करवाए, लड़की ढूंढे। पहले से ही लड़की ढूंढेंगे हम लोग। एक एक आदमी का पैर छुइएगा, हाथ जोड़िएगा, तब जाके लड़की मिलेगी। हम लोग पहले से तैयारी करके रखेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? टीचर लोग बोलता है हम लोग को स्कूल में एग्जाम आने से पहले तैयारी करके रखो ताकि एग्जाम के टाइम पढ़ना ना पड़े। तो जब शादी का टाइम होगा तब क्या लड़की ढूंढेंगे? पहले से ढूंढ के रख लेते हैं। और मान लीजिए शादी नहीं भी हुई तो एक्सपीरियंस तो हो जाएगा हैंडल करने का। ये लड़का तुम लोग आगे जाएगा चाचा, आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, हमसे भी आगे जाएगा। हमारे पास तो खाली एक है, हमारे जितना उम्र में हो जाएगा ना ये, तो इसके पास तो 10-20 लड़की होगी। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम गोरा कद्दू है ब्रो। मारेंगे चार जूता ना तो तुम्हारा सारा ब्रो निकाल देंगे, लफंगा कहीं का। जितना आजकल का बच्चा लोग का फालतू काम में दिमाग चलता है ना, अच्छा काम में चले तो तुम अभी इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। अरे कद्दूपुर का सरकार बनने दे तब तो हम बने, सरकार बनने ही नहीं देता है। हमारे पास अगर डॉक्टर का दिमाग होता है तो भी सरकार बोलता है 6 साल इंतजार करो, 18 का होगा तब तुम डॉक्टरी का पढ़ाई कर सकता है, इसका कोई मतलब है बताइए? लेकिन लड़की का केस में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ शादी का केस में है कि 21 साल 22 साल जो भी रखा है होना चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड का थोड़ी ना कोई भी लगा है नियम कानून की कितना उम्र में हो सकता है गर्लफ्रेंड तुम्हारा। अभी पता है भैया पीछे में मस्त सीन चल रहा था, हम पहली बार मेट्रो में आए, मजा आ गया। रे पागल रे, तुम्हारा हम तब से नौटंकी देख रहा है, तुमको हम क्या चीज के लिए लेके आए मेट्रो में? यही सब करने के लिए? बाप के सामने उल्टा सीधा हरकत करता है, शर्म नहीं आता है तुमको? जूता खोल के मारेंगे ना सबके सामने तो सारा मजा निकल जाएगा तुम्हारा, घर पे जाके रोएगा मम्मी हमको मारा पब्लिक के सामने। आया माइंडा से आपके साथ मेट्रो पे आएंगे नहीं, अकेले आएंगे हम, बता दिए। कोई जरूरत नहीं है मेट्रो में आने का तुम लोग को, तुम लोग ऑटो से जाएगा कहीं भी जाएगा तो। नहीं हम मेट्रो से ही जाएंगे, हमको मेट्रो अच्छा लग रहा है। अरे ये लड़की इतना सीट छोड़ के हमारे बगल में काहे बैठी आके चिपक के, और ये कोई कपड़ा पहनी है, टांग दिखा रही है अपना सबको। अरे साला गधा लोग को देखो, उसका टांग दिख रहा है घुर घुर के। अरे पागल सब क्या देख रहा है तुम लोग? अरे पापा जो आप देख रहे हैं वही देख रहे हैं हम लोग भी। अरे हम कुछ नहीं देख रहे, और तुम लोग जो देख रहे हो मत देखो, आगे देखो। पापा आप इधर आ जाइए, हमको वहाँ पे बैठने दीजिए। अरे कहा है तुम कहा बैठेगा यहाँ? अरे गोरा कद्दू पापा को बैठने दो वहाँ, उनको मजा आ रहा होगा ना वहाँ बैठने में। अरे हमको कोई मजा नहीं आ रहा है। अरे नहीं आ रहा तो हमको बैठने दीजिए, हमको मजा चाहिए। अरे क्या तुम यही सब करेगा, लड़की के बगल में बैठेगा? नहीं नहीं लड़की अगर आपको चाहिए तो आप वो ले जा सकते हैं अपने साथ, हमको तो खाली वहाँ पे बैठना है बस। अरे हम कहे लेके जाएंगे लड़की को, हमारी कोई रिश्तेदार है? क्या बकवास कर रहे हो, हम समझ नहीं रहे हैं, तुमको यहाँ लड़की के साथ बैठना है। और तुम जानते हो हम तो लड़की को बोलेंगे नहीं कि चलो मेरे साथ चलो, और बोलेंगे भी तो क्या चलेगी वो मेरे साथ, और ऐसे भी हम बोलेंगे क्या उसको? अरे सर बोल के तो देखिए मैं कब से तैयार हूँ। अरे हम कहे तुमको कुछ बोलेंगे, ये लड़की तो हमको अश्लील लग रही है, तब से मौका ढूंढ रही थी लगता है हमसे बात करने का, इसका पहनावा ही से हमको लग रहा था ये किस टाइप की होगी लड़की। ऐसे सर ये बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? अरे तुमको हम क्यों बताएं हम कहाँ तक जा रहे हैं? ऐसे में क्योंकि इमलीपुर तक जा रही थी। अरे तो तुम कहीं भी जाओ हमको क्यों बता रही हो? क्योंकि सर मैं चाह रही हूँ आप भी मेरे साथ चलें, क्योंकि आज तक आप जैसा हैंडसम मैंने देखा ही नहीं है। अरे हम तुम्हारे साथ काहे चलेंगे, तुम कौन सी हमारी रिश्तेदार लगती हो, चुपचाप से बैठो। मैडम हमको लगता है आपका आँख खराब है, आपके सामने दो गबरू जवान बैठा है, आप हम लोग को छोड़कर हम लोग के पापा को बोल रही हैं कि वो हैंडसम है। अगर आपको कहीं लेकर चलना है तो आप हमको लेकर चल सकती हो, हम तो तैयार है। अरे क्या तैयार है, तुमको मालूम है ये कैसी लड़की है, तुमको कहाँ लेके जाएगी, क्या करेक्टर है इसका? अरे करेक्टर समझने के लिए और ये कहाँ लेके जाएगी ये जानने के लिए इसके साथ जाना पड़ेगा ना, तो पहले हमको जाने तो दीजिए, एक कदम बढ़ाने तो दीजिए, थोड़ा मजा आने तो दीजिए। अरे यहाँ से चलो तुम, तुमको मजा दिलाते अभी हम, चलो उतरो यहाँ से तुम। अपने पापा को मना लो बाबू तो तुम दोनों को भी साथ में घुमाएंगे। पापा चलिए ना, मैडम बोल रही है घुमाएंगी आपके साथ हम लोग को, आप घूमेगा तो कम से कम हम लोग भी घूम लेंगे। अगर आपको ये डर लग रहा है कि हम लोग मम्मी को बता देंगे तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं हम लोग मम्मी को नहीं बताएंगे, प्लीज चलिए ना इनके साथ हम लोग भी घूम लेंगे। अरे सही में मारेंगे दो जूता खोल के अभी सबके सामने तुम लोग को, अपना बाप को बिगाड़ रहा है तुम लोग बच्चा होके। जानते हो इस लड़की का करेक्टर कैसा है, एक नंबर की आवारी है ये। सॉरी सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा नाम है मिक्की, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, हमारे इस शो में हम लोगों का कैरेक्टर्स चेक करते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों का कैरेक्टर बड़ों से भी ज्यादा खराब है, जैसे आपके दोनों बच्चों का।
और आज मुझे ये पता चल गया कि हमें ये एक्सपेरिमेंट बच्चों पे करना चाहिए। और मैंने ये देखा कि आपका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, मेरे इतने इंसिस्ट करने के बाद भी आपका कैरेक्टर लूज नहीं हुआ, इसलिए आपको हमारी टीवी शो की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, टीवी शो चल रहा था, धन्यवाद कि आप हमको अवार्ड से सम्मानित कीजिएगा। और सॉरी, जो भी हम आपके बारे में गलत सलत बोले उसके लिए हमको माफ कीजिएगा। देखा तुम दोनों, समाज में इज्जत किसका होता है? जो शरीफ होता है। तुम लोग जैसा लफंगा लोग का इज्जत नहीं होता कभी भी। तुम लोग को ये सब करके कुछ देर के लिए भले ही मजा आता होगा, लेकिन समाज के नजर में तुम लोग घटिया ही रहते हो। माँ बाप से झूठ बोलकर तुम लोग क्या सोचते हो, अच्छा काम करते हो? तुम लोग तो घर चलो, तुम लोग का क्लास लेते हैं, आज तुम लोग को पट्टा से मार मार के तुम लोग का देह लाल कर देंगे हम। 10-12 साल का उम्र होता नहीं है, लड़की चाहिए तुम लोग को, हाँ घर में निकालते तुम लोग का लड़की। अरे अब तो पापा हम लोग को मारेंगे घर पे, सबसे ज्यादा तो हम बकवास किए, अब हमारा क्या होगा? दोस्तों को आकर तो कॉमेडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको तो डर लग रहा है। और आप लोग गलत नहीं समझिएगा, मेरा करेक्टर ऐसा है नहीं, वो तो हम हंसी मजाक में थोड़ा ज्यादा बोल दिए ताकि आप लोग को हंसा सके। कमेंट करके पापा को लिखिए ना, पापा गोरा कद्दू को नहीं मारिएगा, वो हम लोग को हंसाने के लिए ऐसा ऐसा बोला था, नहीं तो आज हमारा देह छील देंगे। हमको इस लोग के सामने बैठा दिए आप। अरे चुप करो, ये लड़की वाला लोग है, तुमको देखने के लिए आया है, पसंद करने के लिए आया है। तुम्हारा शादी का बात चल रहा है। अरे पापा मेरा शादी का बात अभी क्यों चला रहे हैं? पहले काला कद्दू का शादी करवाइए ना, वो हमसे बड़ा है। अरे नहीं, इस लोग को काला कद्दू पसंद नहीं है, तुम्हारा बायोडाटा देख के आया है, इस लोग को गोरा लड़का चाहिए। अरे तो मेरा बायोडाटा थोड़ी ना इंटरनेट पे डाला हुआ है, कहाँ पे देखा मेरा बायोडाटा ये लोग? अरे हम डाले हैं तुम्हारा बायोडाटा इंटरनेट पे। अरे आपको कौन बोलता है मेरा बायोडाटा डालने के लिए इंटरनेट पे? अभी मेरा कौन सा ज्यादा उम्र हो गया है जो आप मेरा शादी करवाना चाहते हैं? अरे चुप रहो तुम, आजकल ऐसे ही लड़की मिल नहीं रहा है, लड़का लोग रो रहा है और तुमको फुटानी चढ़ा हुआ है। शुक्र मनाओ कि लड़की वाला लोग खुद चल के आया है तुमको देखने के लिए, नहीं तो आजकल लड़का लोग भीख मांग रहा है, लड़की मिल नहीं रहा उस लोग को। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं भाई साहब, बता रहे थे आपके बारे में, बोलिए बोलिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंकल आप मेरा बायोडाटा देख के आए ना? हाँ हाँ बेटा। तो मेरा बायोडाटा में नाम लिखा हुआ नहीं था क्या जो हमसे पूछ रहे हैं आप? अरे उल्टा क्या बात करता रे, हाँ पागल है क्या तुम, तमीज से बात करो। अरे बेटा हम जानते हैं तुम्हारा नाम क्या है, गोरा कद्दू नाम है ना तुम्हारा, वो तो हम तुम्हारा मुंह से सुनना चाहते थे। हाँ तो हम अपना मुंह से क्या गोरा कद्दू की जगह क्या काला कद्दू नाम बताएंगे? जो मेरा नाम है वही हम आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा बेटा, ये देखो ये हमारी बेटी है मुन्नी। अंकल ये वही मुन्नी तो नहीं है जो डायलिंग के लिए बदनाम हो गई थी? कौन से मुन्नी के बारे में बात कर रहे हो बेटा तुम? हमारी बेटी किसी डायलिंग के लिए बदनाम नहीं हुई है। ओ अच्छा अच्छा अंकल, हो सकता है ये अलग मुन्नी हो। हाँ बताइए बताइए। हाँ तो बताओ बेटा तुमको लड़की पसंद है? अरे ये अंकल हमसे कैसा सवाल करे पापा के सामने, हम अब कैसे बताएं इनको कि आऊंगा। लेकिन उससे पहले घोड़ा कद्दू तुम बताओ, कल जब तुम हमारे घर आए थे तो याद होगा कि हम गार्डन में बैठे थे और जिस टेबल पे तुम पढ़ रहे थे वहाँ पे हम अपना सोने का अंगूठी रखे थे, वो सोने का अंगूठी हमको मिल नहीं रहा है, क्या तुम उठा के लेके गए थे क्या? अरे मास्टर जी हम सोने का अंगूठी टेबल पे तो नहीं देखे थे, लेकिन जब हम घर जा रहे थे ना तो आपके घर के बाहर जो नाली नहीं है वहीं पे हम वो सोने का अंगूठी देखे थे, नाली के बगल में पड़ा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे हमको ये नहीं पता था कि वो आपका अंगूठी था, पहले हम सोचे उठा ले, लेकिन बाद में हमको याद आया मास्टर जी कि आप हम लोग को पढ़ाएगा किसी भी लावारिस चीज को हाथ नहीं लगाना, पैर लगा दिए और पैर लगा के उस अंगूठी को नाली में गिरा दिए ताकि कोई और भी आदमी लावारिस चीज को हाथ न लगा सके। सोचिए मास्टर जी कितना बड़ा काम किया हम, आप जो हम लोग को ज्ञान सिखाए थे ना वो कल सफल हो गया मास्टर जी। अरे क्या पागल कहीं का, तुमको हम ये सब चीज सिखाए है? सोने का अंगूठी कहीं पे पड़ा हो तो लात मार के नाली में गिरा दो, उठा नहीं सकता था तो उसको लात क्या मारा, हम बाद में देख लेते अपने उठा लेते, पागल कहीं का, तुम लोग को सिखाओ कुछ, तुम लोग करते कुछ अलग ही हो। अरे तो ऐसा गलत चीज कैसे सिखाते हम लोग को, अपना नुकसान हो गया तो ठीक है, कल को मेरा ही नोट गिर जाता और हमको लगता मेरा नहीं ये लावारिस है तो हम तो नहीं उठाते तो मेरा भी लॉस हो जाता ना, तब वो ठीक है जो आप ज्ञान देंगे, अपना लॉस हो गया तो ज्ञान खराब हो गया, फालतू बकवास मत कीजिए। अरे चुप रहो तुम, एक नंबर का नालायक है, और आज बता दिए कोई भी मजाक नहीं करेगा, मेरा इतना भारी नुकसान हुआ है, कोई भी मजाक किया ना हड्डी तोड़ देंगे घर पे आके उसका। ठीक है मास्टर जी मजाक नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एक तो सवाल है उसका जवाब दीजिए। क्या कभी किसी गधा को इंसान पैदा होता है? अरे पागल है क्या,
गधा को कभी इंसान कैसे पैदा हो सकता है? क्या फालतू सवाल कर रहे हो? अच्छा मास्टर जी, गधा को इंसान कभी पैदा नहीं हो सकता, तो इंसान को गधा कैसे पैदा हो जाता है? आज तक हमको इस बात का जवाब नहीं मिला। अरे क्या मतलब तुम्हारा, किस इंसान को गधा पैदा हुआ है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मास्टर जी अभी ताजी ताजी बात है, कल की ताजी बात है। पापा गोरा कद्दू को बोल रहे थे तुम गधा है ऐसे करके बोल रहे थे। तो सोचिए हमारा पापा क्या है, इंसान है ना, तो उनको गधा कैसे पैदा हो गया, ये हमको नहीं समझ में आया। अरे फिर तुम मजाक किया, तुम लोग को मना किया मजाक नहीं करने, तुम फिर मजाक करने लग गया। समझा रहे हैं, सुधर जाओ तुम लोग, अच्छा नहीं होगा तुम लोग के लिए। अरे मास्टर जी हमारा सवाल का भी जवाब दीजिए, बहुत काम का सवाल है। हाँ पूछो पूछो। मास्टर जी ये बताइए तो, कुत्ता का दुम जो होता है वो टेढ़ा काय होता है? अरे ये कैसा सवाल है, भगवान बनाए है और कुत्ता का दुम को कभी कोई सीधा भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना मास्टर जी कि आपको इसका जवाब नहीं मालूम है कि कुत्ता का दुम काहे टेढ़ा होता है? हाँ नहीं पता हमको। हमको इसके पीछे का कारण पता है मास्टर जी, काहे कि वो कहता नहीं है जब घी सीधा उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, इसीलिए मास्टर जी भगवान कुत्ता का दुम टेढ़ा बना के भेजे है, ताकि कुत्ता को कभी घी निकालने का जरूरत पड़े तो अपना दुम से निकाल सके। काहे कि सीधा दुम से थोड़ी ना घी निकलेगा, टेढ़ा दुम से घी निकलेगा ना मास्टर जी। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्लास में बकवास करने आए हो तुम लोग? अरे तो इतना देर से क्या चल रहा है, हा? क्या चल रहा है, बकवास ही ना चल रहा है क्लास में? हम लोग का माँ बाप लोग इतना पैसा देता है आपको, तो किस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे भेजता है, पढ़ाई करने की बकवास करने के लिए? रोज आ रहे ऑनलाइन क्लास में, ये लोग बकवास कर रहे हैं, आप चुपचाप से इस लोग को पढ़ा रहे, बोल रहे कल से नहीं पढ़ाएंगे, निकाल देंगे, ये करेंगे, फलान करेंगे, ढिमका करेंगे, कर तो कुछ नहीं रहे, रोज आके दोनों भाई से आप बकवास करते हैं, पढ़ाते कम नौटंकी ज्यादा करते हैं। देखो तुम दोनों भाई के चक्कर में आज हमको क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अरे मास्टर जी ये तो पागल है, एक नंबर का लड़का, इसका क्या बकवास सुन रहे हैं आप, इसको भौंकने दीजिए, कुत्ता है कुत्ता, तभी देखे ही नहीं कुत्ता ही वाला सवाल किया, कुत्ता नहीं होता तो कुत्ता वाला सवाल क्या करता? अरे कुत्ता किसको बोलता है रे, हां तुम कुत्ता है, तुम्हारा भाई कुत्ता है, ये काला कुत्ता। अरे ज्यादा बोलता है कुत्ता का बच्चा, जो भी सवाल किया ना मास्टर साहब से कि कुत्ता का दुम टेढ़ा काय होता है, इसलिए टेढ़ा होता है कि तुमने जैसा होता है कुत्ता टेढ़ा बोलता कैसे है, कुत्ता को कभी घी निकालना हो इसीलिए भगवान उसका दुम टेढ़ा करके भेजे है, तुमको पहले ही पता है कि कुत्ता को घी हजम नहीं होता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो ऑनलाइन क्लास में, पढ़ाई करने हो झगड़ा करने आए हो? अरे आप चुप रहिए मास्टर जी, आग लगाते हैं आप बच्चे लोग में, झगड़ा करवाते हैं यहाँ ऑनलाइन क्लास जब से हो रहा है, आप तो अंग्रेज लोग कभी पिताजी निकले बच्चा में झगड़ा लगवाते हैं। छी 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 छी, बेकार है आपसे पढ़ना मास्टर जी, बेकार है, हम जा रहे हैं, छोड़ दीजिए, बेकार है आपसे पढ़ना, हट। अरे क्या बकवास करता है तुम लोग ऑनलाइन क्लास में आके, क्या समझ के रखा है तुम लोग हमको, ये क्या करता है, ये लोग आता है क्लास में बकवास करता है, लास्ट में हमको बोलता है हमको नहीं पढ़ना आपसे, हमारा बेइज्जती करके चला जाता है, इस लोग को बताना पड़ेगा आप। सौ रुपए का है, 50 में दोगे? हाँ दे देंगे, ये वाला 50 का ही है। ठीक है 50 वाला ही दे दो। अरे बाबू तुम्हारा तो अनार का पॉकेट में घिरनी सब निकला है, अनार तो है ही नहीं। अरे तो कैसा ही के जो आप आ गए, हम भी आप ही को खोज रहे थे, उस समय 50 रुपए का नोट बोलकर आप हमको 5 रुपए का नोट देकर चले गए, हम भी दिवाली का इतना सेल था उसमें ध्यान नहीं दिया, अड़बड़ अड़बड़ में ले लिए, आपके जाने के बाद हमको पता चला कि वो 5 रुपए का नोट था, अच्छा किया भाग गए, 45 रुपए और दीजिए हमको। अरे चुप रहो झूठा कहीं।